मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के शिप्रा नदी में पिता की अस्थियों को विसर्जित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को उज्जैन में निधन हो गया था। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास हुआ और आज मुख्यमंत्री ने शिप्रा नदी में पिता की अस्थियां विसर्जित की हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 100 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के पिता पूनम चंद यादव का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका अंतिम संस्कार बीते दिन हुआ। आज अस्थियों को विसर्जित किया गया। कांकेर में उत्पात मचाने वाला भालू पिंजरे में फंस गया है। भालू ने नवोदय स्कूल में उत्पात मचाया था। सूचना के बाद वन विभाग ने भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। भोजन की तलाश में कई बार भालू स्कूल परिसर में आया था, जिसके चलते स्कूल में दहशत का माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं आप इस भालू को, जिसने उत्पात मचाया था और आखिरकार अब ये पिंजरे में कैद हो गया है। भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। लोग दहशत में थे कि कहीं भालू उन पर हमला ना कर दे। दहशत के माहौल के बीच पिंजरा लगाया गया और अब भालू को पकड़ लिया गया है, कैद कर लिया गया है। भालू को सफल रेस्क्यू किया गया। बिलासपुर में ड्यूटी से नदारद डॉक्टर्स पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएमएचओ ने 4 डॉक्टरों को नोटिस थमा दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नदारद मिले थे 4 डॉक्टर। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण किया गया था। मलेरिया डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है और ऐसी हालत में डॉक्टर्स नदारद मिले हैं, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। लगातार डेंगू के केसेस आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस आ रहे हैं, डायरिया के केस आ रहे हैं और इस बीच डॉक्टरों के नहीं होने की वजह से मरीज परेशान रहते हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। और निरीक्षण के दौरान जो डॉक्टर्स नहीं थे उन पर एक्शन लिया गया है। नदारद डॉक्टर पर बड़ा एक्शन लेते हुए सीएमएचओ ने 4 डॉक्टरों को नोटिस थमा दिया है। जवाब देना होगा कि वो क्यों नहीं थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 4 डॉक्टर नदारद थे और अमूमन लोग यहाँ पर जाते हैं जब परेशान हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों के नहीं होने की वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसके बाद एक्शन लिया गया। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण किया गया था और मलेरिया डायरिया का प्रकोप एक तरफ फैला हुआ है। ऐसी हालत में डॉक्टर्स के नहीं होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।